अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो कल भी पूरा दिन घूमने फिरने में लगे, लेकिन मैंने व्लॉग शूटिंग किया। कंदील इतना ज़्यादा वो डर गई है, मोबाइल ही नहीं निकालने देती और जो है ना रोती है, कहती है आप मोबाइल नहीं बाहर निकालो। तो इस वजह से मैं भी बहुत कम कम मोबाइल, और मैं अपनी बाल बनवा रही हूँ सफ़ा से। इसके मुझे पैसे चाहिए। सफ़ा, तुम अपने पैसे जो है ना वो करती रहो, एक डायरी पर लिखती रहो मेहंदी के। ये देखें जो मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, तो कह दी उमर चाचू से आके सारे पैसे निकलवाने हैं। अब ये वीडियो मैं उमर चाचू को भेज दूँगी, बोलूँगी सारे पैसे जो है ना सफ़ा यहाँ। और चिट्टियाँ कितनी बनवाई हैं, डेली बनवा रही हूँ मैं। एक दिन के कितने होंगे सफ़ा चिट्टियाँ बांधने के? 10,000 तो होंगे। आँखें फट गई मेरी। बस भाई, बाकी का ब्लॉग देखो आगे क्या क्या होता है। चिट्टियाँ मेरी बन चुकी है, ये देखें ज़रा, यहाँ आके बनवा रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम बांधती हूँ चुटिया। ये देखिए, तो उमैर बांध देते थे वहाँ पर मेरी कभी कभी, अब आदत हो गई है। वैसे बांध के ही रखा करूँगी मैं, ज़रा ना अच्छी लगती है। तो अब मैं पुलाव बना रही हूँ आज, और शामी कबाब बन रहे हैं, और भाभी कपड़े धो रही हैं। तो मतलब काम वाम है घर में फैलावा। और हमारी सुबह देखिए ना ज़्यादा होती है, कितने बजे, 6 बजे हमारी सुबह, 5 बजे हुई नाश्ता किया, अभी 6 बजे अब खाना वगैरह बना रहे हैं, तो 8-9 बजे तक खाना खा लेंगे। यस गाइस, तो पुलाव बन रहा है हमारे घर में, बीफ पुलाव बन रहा है, और साथ में बजान, आपको पता है मेरी वीडियो में, हर वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, गोश्त खाता नहीं, कितनी मुसीबत होती है। तो उसके लिए क्या बन रहा है, ये देखिए आलू की पत्तियाँ, आलू की कटनियाँ, और ये देखें यखनी बना ली है मैंने। ये प्याज भी पूरे डाले थे इसके अंदर मैंने, बगैर छिलके मतलब उतारे। ये जब इसके अंदर वो हो गए तो इसको मैंने निकाल लिया, और ये देखें रोटियाँ और यखनी, देखें कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनी है। ये बीफ पुलाव बन रहा है। अब मैं बाजार के लिए ये भी बना रही हूँ, साथ साथ आलू की कटनियाँ और बीफ पुलाव बना रही हूँ, और इसके ऊपर मैं रखी हूँ। बनाते हुए अब कितनी वीडियो मैं आपके साथ शूट करूँगी, इसलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी कि क्या बना रहा है। पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बना रही हूँ। कराची में शूट करी, शालकोट जाके इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो वीडियो मुझे पूरा देखते करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। क्या होगा तुम्हें, एक लाइक बटन कितना है, एक लाइक में एक सेकंड डॉलर आते हैं। कोई डॉलर नहीं आएंगे यार हमारे लाइक पे, प्लीज लाइक कर दिया करो। ओके, मेहर उमैर बना रही हैं खाना पुलाव का, और ये मैंने आपको दिखाया था कि अभी अभी दोनों में प्याज ही मेरे हो रहे हैं ब्राउन। ईद के दिन, ईद के त्योहारों में भी आलू गल रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं खाते। यखनी में से मैंने सारी रोटियां निकाली हूँ, और यहाँ पे कतलियाँ बस बनने ही वाली हैं। और ये देखिए मैंने फ्राई किया है इसको, क्योंकि पुलाव में ना ये बोटियों को देखें कितनी अच्छी रंग, अच्छे से फ्राई हो रही है, ये ब्राउन हो गया गोश्त। अब एक हाथ से काम, ये देखें थोड़ी सी दही डाल रही हूँ ताकि इसके साथ हो जाए, बाकी की ना मैं जब चावल डालूँगी ना। अब एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से काम बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो बना नहीं पाती। तो देखें अभी थोड़ी सी फ्राई करके ना इसमें मैं यखनी डाल दूँगी। गाइस, पुलाव हो गया फाइनल। लंबी लंबी तो बहुत छोड़ी, मैं बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हूँ। अब देखते हैं फाइनल लुक क्या है, चले आए चले। अल्लाह पाक इज्जत रखिएगा। आ गई आ गई, फाइनल लुक पुलाव का दिखने लगी हूँ मैं। ये खुल रहा है अभी, और गर्म हो गया इधर शामी खबर। अभी मैं चम्मच लगा बैक कैमरे से बनाती हूँ। ये देखें गाइस, एक एक चावल अलग, कैसा लग रहा है मैं टेस्ट करके देखूं। यम्मी और टेस्टी पुलाव बनाए, रायता बन रहा है यहाँ, शामी कबाब बन रहे हैं, तो हम पुलाव रायते के साथ खा लेंगे। हैं बजान इधर, चल ये देखो आंखें खोलो,
इधर आओ, करीब आओ हमारे लिए। खोलो आंखें, खोल ले भाई। सही है, आलू की कतलियाँ सही है। अभी बस रोटी बनाते हैं, सारे काम हो गए, बस रोटी रह गई। रोटी मैंने बोला मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि बोल सके के ऊपर। आओ इधर आओ, जरा रोटी खाओ ना। रोटी बहुत जल्दी कट रही है। बोल सके के ऊपर रोटी बनाई है बहुत सालों, बल्कि सालों बाद क्या अम्मी बनाती थी, मैंने अब बनानी शुरू कर दी। आज बनाई है पहली बार। हम लोग बचपन में अम्मी को बनाते हुए देखते थे इसलिए। ये भी बेल रही हूँ, ये भी डालूंगी। तो तीन रोटियां मत बना। बस एक ही जाती इसके ऊपर में। गाइस मेरा पुलाव देखें, बिल्कुल बाजार का लग रहा है ना। उमर को बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला पुलाव मेरे हाथ का, तो मैं बहुत याद कर रही हूँ आज उमर को। ये वाला पुलाव मैंने कभी भी अकेले नहीं खाया। ये देखें चटनियाँ, रायता और चटनी सायरन सप्पा ने बन। ये देखें सलाद, रायता और चटनी सप्पा ने बनाई है। सब लोग एक ही ट्रे में खा रहे हैं। हमने बोला प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, बर्तन कम होंगे।